अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि पैरेललिज्म क्या है। लास्ट टाइम जिस तरह हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ देखा था, इस तरह आज हम देखेंगे कि पैरेलल स्ट्रक्चर वर्ब्स के साथ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा था कि पैरेललिज्म जो होता है वो बराबरी को कहते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आपस में पैरेलल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक तराजू है तो उसके हम दोनों साइडों पे अगर इक्वल वेट रखें तो वो आपस में पैरेलल होगा और कहेंगे कि ये हमारे पास स्टेबल है। इसी तरह हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे पास दोनों साइडों पर हमारे पास पैरेललिज्म होनी चाहिए। जिस तरह नाउंस गो विद नाउंस, वर्ब्स विद वर्ब्स, एडजेक्टिव्स विद एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स विद एडवर्ब्स, और फ्रेजेस विद फ्रेजेस, एंड क्लॉजेस विद क्लॉजेस। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि पैरेलल स्ट्रक्चर विद कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आज हम स्टडी करेंगे पैरेलल स्ट्रक्चर विद वर्ब्स, ये क्या होते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर विद वर्ब्स शुरू करने से पहले हम एक जनरल सी एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। इसमें अब हमारे पास क्या है, इज क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो हमारे पास वर्ब की हेल्प करने आएगा। और गोइंग क्या है, go, went, gone, going, fourth form of verb है। तो जो हमारे पास simple structure है वो ये है कि हर helping verb जो होगा वो verb की help करने आएगा और वो verb के बिल्कुल adjacent होगा। तो अगर इस structure को हम जहन में रखें और पहली example देखें, तो रुस्तम has क्या है, helping verb है, has have had, ठीक है, in the past, and will क्या है, ये भी हमारे पास एक helping verb है, ठीक है। तो इन helping verbs को हमने इनका verb दिया ही नहीं है। वर्ब साहब किधर है, वर्ब ये फिर है कंटिन्यू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एक साइड पे है, वर्ब जो है वो एक साइड पे है, तो ये हमारे पास पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसको हम ठीक कैसे कह सकते हैं, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैज सपोर्टेड, सपोर्ट क्या है, वर्ब, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को एक अपना वर्ब मिल गया। इन द पास्ट, एंड विल क्या है, ये भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। कंटिन्यू, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। इन द फ्यूचर टू सपोर्ट मायर्स, तो हम कह सकते हैं कि रुस्तम हैज सपोर्टेड इन द पास्ट एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर टू सपोर्ट द मायर्स। हर हेल्पिंग वर्ब को उसका अपना वर्ब दिया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, व्हाट काउंट्स इज नॉट हाउ यू लुक बट योर बिहेवियर, ठीक है। ये हमारे पास गलत है, देखते हैं क्यों। हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ी थी, नॉट ओनली बट एज वेल, ठीक है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट और बट भी उनमें से एक है। नॉट के बाद जो चीज लगेगी वही बट के बाद भी पैरेलल में लगनी चाहिए। व्हाट काउंट्स इज नॉट हाउ यू लुक, लुक क्या है, वर्ब है, चले ठीक है मान लिया, बट योर बिहेवियर, ये यहां पे तो हमारे पास कोई वर्ब है ही नहीं। योर जो है वो हमारे पास एट्रीब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। हम बाद में स्टडी करेंगे कि जो योर है ये प्रोनाउन के अलावा हमारे पास एडजेक्टिव भी बन सकता है। और बिहेवियर क्या है, नाउन है। और ये क्या है, लुक, हमारे पास ये हमारे पास वर्ब है। तो ये हमारे पास पैरेललिज्म नहीं है, ठीक है। योर बिहेवियर, योर जो है वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, आपका बिहेवियर, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव दो तरह के भी हो सकते हैं, प्रेडिकेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव। तो अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, व्हाट काउंट्स इज नॉट हाउ यू लुक बट हाउ यू बिहेव, ठीक है। लुक क्या है, वर्ब, आप किस तरह दिखाई देते हो, बट हाउ यू बिहेव, आप किस तरह बिहेव कर रहे हो, दोनों वर्ब्स आ गए, पैरेललिज्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास, माय फ्रेंड्स नेवर जज्ड मी बाय माय वर्ड्स और व्हाट आई सेड, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। अब ये जो और है, इससे पहले भी पैरेललिज्म होनी चाहिए, इसके बाद भी पैरेललिज्म होनी चाहिए। लाइक माय फ्रेंड्स नेवर जज्ड मी बाय माय वर्ड्स, माय क्या है, ये वही आ गया हमारे पास एट्रीब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव, वर्ड्स क्या है, नाउन, ठीक है। और व्हाट आई सेड, व्हाट आई डिड, डिड क्या है हमारे पास, ये वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है, नाउन है, और यहाँ पे वर्ब है, तो और के दोनों साइड पे हमारे पास पैरेललिज्म नहीं है। या तो हम ये कर सकते हैं, माय फ्रेंड्स नेवर जज्ड मी बाय माय वर्ड्स और माय एक्शंस, ठीक है, व्हाट आई सेड की जगह अगर हम लिख दें और माय एक्शंस, या हम कर सकते हैं माय फ्रेंड्स नेवर जज्ड मी बाय व्हाट आई सेड
और वट आई डिड, ये दोनों ठीक होंगे, ठीक है? ये माई वर्ड्स और वट आई सेड, ये सही कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पैरेललिज्म नहीं है। माई फ्रेंड्स नेवर जज मी बाय माई वर्ड्स और माई एक्शन, और से पहले क्या है माई वर्ड्स और के बाद क्या है माई एक्शन, ये ठीक है हमारे पास, ठीक है? माई क्या है एट्रीब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स, माई क्या है एट्रीब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव एक्शन, ठीक है? ये क्या है नाउन, ये क्या है नाउन, तो ये हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं माई फ्रेंड्स नेवर जज्ड मी, हम बाय भी रिपीट कर सकते हैं और से पहले, ठीक है? और से पहले बाय वट आई सेड और बाय वट आई डिड। अब हम इस केस में ये नहीं कहेंगे कि जो बाय है ये हमने रेपिटेशन की है प्रपोजिशंस की एक से ज्यादा, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है, ऐसी बात नहीं है। पैरेललिज्म में रेपिटेशन हम कर सकते हैं, माई फ्रेंड्स नेवर जज्ड मी बाय वट आई सेड और बाय वट आई डिड, और से पहले भी और के बाद भी, पैरेललिज्म है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।